एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि महाराज, ध्यान सुन लेना, एक बार की बात, महाराज अशुपति अपने घर में बैठे रहे तो कुछ महात्मा लोग आए राजा के दरवाजे पर। राजा अशुपति ने बड़ा सम्मान किया और एक बात बताई, जिसके घर में साधु संत महात्मा फकीर आया हुआ, पुजारी आया हुआ, मेहमान कभी दुखी नहीं जाता है, उसके घर में लक्ष्मी दिन दुना रात चौगुना सहयोग देती है। महात्मा लोग आए, अशुपति ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, और जब खूब सम्मान किया तो बाबा लोग खुश हो गए और कहते, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले न भीख, जौन चीज बिन मांगे मिल जाए वह मांगे से ने कभू न मिली। तो महात्मा लोग बोले, राजन तुमने हमारी खूब सेवा किया, और जाओ राजन हम तुम्हें एक विद्या दे रहे हैं, फल रूप में, प्रसाद रूप में हम तुम्हें विद्या दे रहे हैं कि आज से आदमी के भाषा भाई आदमी समझ पाई। हमरे आप में यहाँ यू क्षमता नहीं है कि गैया के भाषा समझ ले, हमरे आप में यू योग्यता नहीं है कि हम आप बकरी के बाणी समझ ले, खाली यहाँ समझ में करते है, यू नहीं जाने पर भी आप प्यासी है कि भूखी है, कि के चाटा काटत है कि या छुट भगैया है, यू नहीं जाने पे भाई। तो लेकिन अशुपति से संत बोले, जाओ राजन हम तुमका यू वरदान दिए दे रहे हैं कि आज से चींटी से लेके हाथी तक अगर कोई जानवर बोलेगा तो तुमका ये भाषाओं का यहाँ ज्ञान हो जाए कि यू का बोल रहा, यू का कह रहा, यू का चह रहा, यू भाषा क्या ज्ञान हो जाए। अशुपति महाराज बड़ा खुश हो गए कि हमसे ज्यादा योग्यता को रह जाए। लेकिन महात्मा लोग बोले, राजन अगर यह बात सुन लो, यह बात मैंने तुमको ऑफिशियल दिया है, ऑफिशियल माने पर्सनल, यह चीज मैंने तुमको दिया है पर्सनल, और यह बात अगर कोई से बताई हो, जो यह बात का हो से कही हो, जो यह बात का हो से कही हो, तो तुरत भूप प्राणो मरी जई हो। बताओगे तो तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे और तुम मर जाओगे। अशुपति बोले, हम यह बात को इस बताइबे ना कर, काहे हम बताइब जो हम मर जा। यह बात परी रही, बाबा लोग चले गए, बहुत दिन हो गए, 4-10 साल। अब राजा को इस बताई नहीं, भैया केस लागू है ना ऊपर से, नहीं तो बतौती। तो एक दिन की बात, राजा साहेब चौका में यहां भोजन कर रहे थे, उनकी महारानी पत्नी भोजन परस रही थी। तो राजा साहेब भोजन कर रहे थे, सैतिक मारा राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया। ध्यान सुन लेना, राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया जमीन में, यहाँ चौरो तो याक का यक चेटी, चेटी चेटी के हैं इंग्लिश हम कहा कहते हैं, आंट, चेटी के हैं इंग्लिश हम कहा कहते हैं, आंटी, चेटी के हैं इंग्लिश हम कहा कहते हैं, आंट, आंट और आंटी बातें दोनों हैं, आंटी माने तव चाची और आंट माने तव चेटी, चाची माने चेटी और चेटी माने चाची। भैया यक चेटी ला 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 ला, यक चेटी समझ लियो, यक चेटी चौका माई, यक चेटी चौ आमावाई।
और चींटी आकर के क्या करती है, राजा की थाली का जो चावल का दाना गिर गया था वो चावल का दाना चींटी ने उठाया और लेके चल पड़ी। जब लेके भैया चल पड़ी तो अब जा रही थी, रास्ते में यहाँ चावल का दाना लेके निकली चींटी और वैसे से आएगा वह अंटा, अंट माने चींटी, अंटा माने चींटा, बात है दोनों यहाँ कहते ना। ऐसी से न चींटी जा रहे रहा, वैसी से न चींटा आ रहा है। चींटा दो तीन तन के होते हैं, एक चींटा होते हैं एकदम पियर पियर बिल्कुल सिंपल होई और वो आदमी जत्ती जो चल सकत वत्ती दौड़ दौड़ सकत है, वो लागत है धनतिया में, यहाँ धनतिया में है लागत और ऊसर में यहाँ होते हैं। कबो को पंडा लोग आवत है वो लेके तुमका हे प्रसाद दे, वो चांटा मिली ऊंचे ऊंचे ऊसर में यहाँ, और एक चांटा देखे हुई हो एकदम बिल्कुल प्लेन हुई बराबर है बराबर एकदम आगे पाछे की एकदम सिंपल हुई, वो चांटा सीधा होते है। और एक चांटा देखे हो पातर पाछे क्या बहुत चबका का पातर पातर हुई और आगे एकदम बिल्डोजर हुई हाईवे पावर क्या यू बहुत कटहा होत, यू बहुत कटहा होते है। और यू जो चांटा कोई काटे लग तो मरते मरते मर गई तब है छूटी, बाकी छोड़ी ना यू जितने मरी हो उतने चबात रही। वैसी से है बिल्डोजर वाला चांटा है बेचला हुए तो चेटी क्या जब चोर देखी तो वो लाग छीन और राजा वह त्रिभोजन करे, जब चांटा छीने लाग तो वह चेटी चांटा का यहाँ धरी कर डांटिस धरी के वह चेटी डांटिस चांटा वाला चौर लाओ चौर लाओ। तो वह चेटी बोली चांटा से नहीं कहा लाग सुन लियो हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिशे हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिशे चौर उठाए लाए हैं अपने बाप को तुम हो ले आओ आ जाओ तुम पता लगा लो अगर चेटी ज्यादा उठ गई हैं चेटी अगर घर में उठ गई तो कुछ दयालु लोग भैया लोग कहे हैं केस करो भैया ए बिटिया तने को आटा लाओ और बुर्रा दियो अपन अपन अंडा बच्चा ले अपने अपने घर का जाए। अगर चियांटा आएंगे कहीं इनका सबका कूचो ने लड़कन फारी खाई है तो चियांटा का तुम्हें मार डालते हैं लेकिन चेटी का यहाँ जाने कोई नहीं मारत। अब ध्यान सुन लो और जब कि आई ये दोनों यक्का क्वालिटी के वह छोटे वो बड़े हैं लेकिन चेटी का यहाँ चुनाए से ने पुण्य मिलती है और चियांटा पुण्यदायक है ना क्योंकि बच्चों को काट खाता है इसमें विष भी होता है। तो अब भैया जब वह चेटी डांटिस कि हम तो चौर ले आए हैं और तुम अपने बाप को तुम हूँ ले गए हो देखो राजा मार डारी कि ना मार डारी वह धरी के गुर्रान चांटा गई हाँ। अब राजा के रे हंसई आए गए तनिक सरी चेटी और तनिक सरी चेटी अब चांटा कहीं हाँ कितना डांट रही तनिक सरी चेटी कितना चांटा का यहाँ डांट रही है और चेटौने के औकात ने जो चांटा चेटी से ने चौर छीन ले। राजा के यहाँ एकदम हंसी आए गए तो राजा साहेब लाग हंसे जब राजा हंसे लाग तो रानी देखी कि राजा भोजन कर रहे हैं अब आखिर हंसे का है तब रानी मन हृदय विचारो तब रानी मन हृदय विचारो सोचिन पता नहीं कौन हमारा अंग खुला रहेगा जो राजा साहब हमका दे कहां से अब वो यहां से रांची टी चाटक बतखाओ पर। लेकिन रानी कहा लगी इका मतलब कोनो हमारा अंग देख ले गए हैं और वह बदहा से हैं और वह दुआरे जे तब खिल्ली उड़े हैं है ना। तो रानी कहा लगी राजा से ने कहा लगी स्वामी
हसने का कारण बतलावो और सत्य सत्य सब हमें समझावो। हंसे क्या हमका कारण बताओ आखिर तुम काहे हंसे हो। अब राजा परी गए चक्कर में। यहाँ राजा साहेब बोले देवी हम तुमका देख नहीं हसन, हम तो भोजन कर रहे हैं। ना रानी बोली सुन लो याग बात, हंसे हो हमें देख और यहाँ कोई रहा ही नहीं, काहे हंसे हो। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी और भय गति जैसी हो री लगे लकड़ी। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी लकड़ी। अब वह रानी हठ पकड़े और माने नहीं। जब रानी माने नहीं, हे जब माने नहीं भैया, तो अब आप लोगों ने देखा होगा मानत ना ही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी होरिल पक्षी। देखो ना, देखो होरिल पक्षी चाहे जहां जाए लेकिन वो अपने पंजा में यहाँ लकड़ी दाबे रहा थे। इतना बेवकूफ है वो, सोचत है का पता हुआ लकड़ी ना मिले बैठे वाली हो। तो वो ए कोई कोई भैया लोग देखे हुए हो, अगर घर से निकले हैं तो कमर जेब में होई, घर से निकले हैं आधी व्यवस्था वो खोपड़े में टांगे रहा थे। ऐसे अजन होशियार दमी है ऐसे जाओग नहीं चाहे, हो चाहे तुमने इतने मजबूत तौलिए लेकिन हो चाहिए बताओ कहाँ बिछावे पड़ जाए। और पहले तो तौलिया दादा लोग जो होशियार हैं बढ़िया समंदार, उनके इतनी तौलिया हो ढाई तीन मीटर के, और जो उतना के रहे हैं आजकल के लड़का देखो अतनी बड़ी चिरकुटी रखे हैं हैं। अवा ना हरकी है ना घर की सरो पहुड़क परिगा तो मसा डर है नोच उसे हाँकू तो नहीं पे कुछ। और तौलिया अगर बढ़िया है तो चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो, एक काम जरूर निपटा लिया हो। गलत बतावा मेरे बंदो, ये हमारे हिंदुस्तान के तौलिया के पहचान है कि फलाना हिंदुस्तानी है। क्या बता रहा था, तो अब जब रानी माने ही नहीं हट पकड़ लिया और कहा लगी आग बात सुन लो। राजा कहा लगा कोई बात नहीं, बहुत कुछ कहा। तो रानी बोली आखिरी बात समझ लो, अगर या तुम हमका बात हंसे क्या नहीं बताई हो कारण, तो तुम जाने तो घर में का हो। राजा बोले का हो। कहा लगी सुनो यू हो, आर्य जो पिया बात बताई हो नाही, जो पिया बात बताई हो नाही, और जीवित रहाब जगत मरी। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए, अब का होए, बताए दे तो हम मर जाब, ना बताए तो या मर जाए, और इके बिना हम रह पाए बना, क्योंकि इका हम दिल दे बैठन है। मैंने तुमको दिल दे दिया, ये भी ने पूछा कौन हो, बचन है ख्वाखा, जब या मर जाए तो हम का कहा है। जमीन अगर अगड़ा रोग, पैसा अगड़ा रोग, भैगला बड़ा रोग, और जो घर वाले का लफड़ा हो तो कहते हैं पिंड रोग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्यार रामचंद्र भगवान की। भैया बहनी गौर से सुन लो, मैं आपको क्या बता रहा। अब राजा परिगे चक्कर मा, राजा और घर का मालिक कबो कबो चक्कर में परियु जात। चक्कर में का पर जात मालूम, पत्नी कहा लगी आग बात सुन लो, फोन आवर है जीजा कुआ धनतिया है, जाब जरूर जाब जरूर। अदमेवा कहा लगी जई हो जरूर, या भैंस का हो घर की, तो कहा लगी भैंस चाह ले चलो जाब जरूर, अब ना ले जाए तो लफड़ा और ले जाए तो घर का साफ का सफड़ा। तो घर का मालिक जो होते कभो कभो दिक्कत में फंसे जाते,
भैया अब राजा पर के चक्कर में अगर हम रानी के यहाँ ले जा रहे हैं, बात बता रहे हैं तो हम मर जाब, नहीं बता रहे हैं तो ये मर जे हैं। तो राजा सोचें सोचें अब कहाँ करी कहाँ करी। तो बीच आखिरी में फैसला यू भा कि राजा खुद ही मर तैयार होगी। राजा कहा लगा वह हमें मर जाए ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम है। राजा कहला हमें मर जाओ चलो कोई बात नहीं भैया। अत्ता कह के राजा सोचिन मरे कहाँ, सुना है लोग गंगा का ये एक बात सुन लो, एक चीज खा लो, एक चीज खा लो तो भक्त हो गयो, जिंदगी में अगरबत्ती ना लगाओ, अंत समय में एक चीज खा लो और एक चीज पी लो तो भक्त और मुक्त दोनों पाएगो। कौन? तुलसी दल है भक्ति और गंगा जल है मुक्ति। कहीं का कह रहे हो कहीं खाए पी चुके तो खाओ तुलसी और पियो गंगा जल, खाओ तुलसी दल। कब हो दिक्कत? दुई चीजें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए, दुई चीजें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए, लेकिन बहुत आदमी दुई चीजें नहीं रखते हैं। कहें पंडित जी बताएंगे कि गांजा और चिलम दुई चीजें जेब में रखो, जहाँ मन चाहे तहाँ सुलगा लियो, है ना। और दुई चीज आदमी ध्यान में रखा कहें बेड़ी और माची दोनों जेब में रखो, चाहे जहाँ हो लेकिन घर जलाए पी लो। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुन लो। अब राजा चक्कर में पड़ गए तो राजा ने सोचा कि गंगा मैया के जल से लोग मुक्त हो जाते तो हमारी इच्छा कहते हैं कि हम गंगा जी के घाटे पर जाके वहाँ पर रानी को बात बता देव और मैं मर जाब कोई बात नहीं, तर तो जाब करब। जब राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे तरीगे रहें तो हम हुआ मर जाब तो कहा नहीं तरी जाब। अगर राजा परीक्षित जब तरी गए तो कहा हम हुआ मरब तो ना तरब तर जाब, और फिर हम अकेले हैं राजा सगर के 60,000 लड़का तरीगे रहें तो कहा हम न तरी जाब। हैं राजा सगर के 60,000 लड़का तरी गए, आदमी जला दिया जाता है यहाँ और हाड़ खाली डाली और गंगा मुँह तरी जात तो हम सरबुल मरब तो ना तरी जाब। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था गौर से सुनो। राजा अशुपति को दृढ़ विश्वास हो गया क्या, और हमने कल बताया था कि जिस चीज को आप दृढ़ विश्वास से मानोगे, भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करता है उस व्यक्ति को हमारे धाम से पांचवें नंबर की भक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुबेद प्रकाशा। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो वो भले तुमको गदा दगा दे जाए लेकिन तुम्हारे लिए उसका पुण्य लाभकारी होगा। राजा अपनी पत्नी से बोले देवी यह बात हियाँ बतावे वाली नहीं है और यह बात हम तुमका बताए गंगा जी के किनारे। कहा लगी गंगा जी के किनारे बचाओ हरिद्वार चलो हुआ बताओ चले। तो राजा ने क्या किया भारी सेना सजवा करके, मेरे बंधु भारी सेना सजवा करके और रानी को ले प्रस्थान किया। भारी सेना सजवा सजा करके भैया
महाराज अशुपति चले जा रहे हैं। शाम हो जाती है तो वहीं पर रुक जाते हैं। लगभग 6-7 दिन हो गए चलते चलते। महाराज अशुपति जब पहुँचे तो गर्मी का मौसम था। एक बहुत सुंदर बागान देखा, एक सुंदर बहुत बढ़िया बागान देखा जो 10-20 बीघे में था। राजा ने सोचा ये बगिया दोपहर का मौसम है, विश्राम करने वाली जगह है। तो राजा वह सारी बगिया में सारी सेना को ठहरा दिया। जब सारी सेना ठहरा दिया, सभी सब विश्राम करने लगे। रानी भी बिस्तर लगा लेती हैं और आराम से लेटने लगी। लेट गई रानी जब, अब रानी जी परसों पहुंच जाएंगी गंगा जी के घाट पर, तो रानी बड़ा खुश है कि अब हम